ओमकार महादेव जी की बार बार वंदना।
आपकी ज्येष्ठ पुत्र श्री पुरुषोत्तम पांडी जी, उनकी धर्म पत्नी कनिष्ठ पुत्र श्री कैलाश पांडे जी, उनकी धर्म पत्नी तृतीय सुनी और राजा परीक्षित जब भयभीत हो गए मृत्यु से, तो अपनी मुक्ति के लिए राजा परीक्षित ने जो सुखदेव जी के मुख से सुना, मतलब सुखदेव जी ने जो गीत गाया, तो सुखदेव जी के गीत का नाम है श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण का जो गीत है वो श्रीमद् भगवद् गीता है। तो उसी श्रीमद् भगवद् गीता के 10वीं अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यद्यपि सर्वत्र मैं ही हूं, कण कण में मेरा वास है, लेकिन फिर भी हे अर्जुन, गायन करने योग्य
मैं बृहत साम हूं। छंदों में मैं गायत्री छंद हूं, महीनों में भगवान कहते कि मैं मार्ग शीर्ष हूं, और ऋतु में भगवान कहते हैं कि ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूं। बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंदसामहम्। मासानां मार्गशीर्षोऽहम्, ऋतूनां कुसुमाकरः। ये जो पतझड़ ऋतु है ना, इसको बसंत कहते हैं। मासानां मार्गशीर्षोऽहम्, ऋतूनां कुसुमाकरः। किसको पता था कि श्रीमती माता मांगी देवी ने यह श्रीमद् भागवत कथा बसंत ऋतु के इस रंग पंचमी पर करनी है।